हाय, मैं हूँ देवाशीष। आज तारीख 14/4/2022। मैं आज जा रहा हूँ रेनॉल्ट क्विड क्लाइंबर का थर्ड सर्विसिंग कराने के लिए। मैं कोलाघाट में रहता हूँ और यहाँ से मैं जा रहा हूँ खड़गपुर रेनॉल्ट का सर्विस सेंटर में। तो यहाँ से खड़गपुर 70 किलोमीटर है, जाने में 1 घंटा टाइम लगेगा। तो मेरा ये थर्ड सर्विसिंग है, मेरा ये पेड सर्विस होगा। मैं ये गाड़ी खरीदा था कोलकाता मोमिनपुर बागारिया मोटर से, लेकिन वहाँ का स्टाफ लोग अच्छा नहीं है, वो शोरूम वाला ठीक नहीं है, बहुत गलत व्यवहार करता है। तो इसके लिए मैं उधर पे नहीं गया। वहाँ पे जाने से मेरा थर्ड सर्विसिंग फ्री हो जाता था, लेकिन उनको उनका बिहेवियर से मैं खुश नहीं हूँ, मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ। इसके लिए मैं अपना पैसा लगा के पेड सर्विसिंग कराऊँगा, लेकिन मोमिनपुर नहीं जाऊँगा। और मैं और सभी को बताना चाहता हूँ, जो लोग भी रेनॉल्ट का कोई भी गाड़ी खरीदना चाहता है, वो मोमिनपुर से ना ले, क्योंकि वो लोग आप गाड़ी लेने के बाद सब भूल जाता है। मेरा गाड़ी का 2 साल हो गया, अभी तक आरसी बुक मुझे नहीं दिया। मैं ऐसा ही टेम्पोरेरी आरसी बुक लेके चल रहा हूँ, जो स्मार्ट कार्ड है वो हमको नहीं दिया, और उल्टा पलटा बहुत उल्टा सीधा बहुत पैसा लेता है, बहुत सारा पैसा लेता है उल्टा सीधा, और उसका व्यवहार भी ठीक नहीं है। तो यही बात मैं बोलना चाहता हूँ कि जो कोई भी रेनॉल्ट का गाड़ी खरीदना चाहता है, वो लोग दूसरा कहीं से ले, लेकिन मोमिनपुर बागरिया मोटर से ना ले। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। आप एक बार गाड़ी खरीद लिया, फिर वो लोग भूल जाएगा आप कौन है। गाड़ी खरीदने से पहले बहुत अच्छा अच्छा बात बोलेगा, बहुत अच्छा व्यवहार करेगा, लेकिन गाड़ी लेने के बाद वो पूरा भूल जाएगा। इसके चलते मैं उधर नहीं जा रहा हूँ। मेरा थर्ड सर्विसिंग फ्री होता था, लेकिन मैं अपना खुद का पैसा लगाऊंगा, लेकिन उधर नहीं जाऊंगा। और चलिए, मैं खड़गपुर में जाता हूँ, उधर का स्टाफ बहुत अच्छा है, उसका व्यवहार भी बहुत अच्छा है, तो मैं उधर ही सर्विसिंग कराता हूँ। तो क्या क्या उधर थर्ड सर्विसिंग में करता है, प्रोसेसिंग क्या है, मैं सब बताऊँगा। तो देखते रहिए मेरा ये वीडियो, और अच्छा लगे तो एक लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। थैंक यू। आज बहुत धूप निकला है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, करीबन 40 डिग्री सेल्सियस, और इसलिए आज बहुत ज़्यादा गर्मी लग रहा है। हम लोग एक लंबा ट्रिप में जाएंगे,
मई 24 तारीख को, इसके लिए गाड़ी को सर्विसिंग करा के लेता हूँ क्योंकि बीच रास्ते में कोई गड़बड़ी ना हो जाए, इसके लिए गाड़ी को एकदम ओके कर लेता हूँ। और सामने हफ्ते में मतलब शुक्रवार को हम लोग पुरी भी जाएंगे, वो 2-3 दिन का ट्रिप होगा, उसका भी वीडियो बनाऊंगा, उसका भी वीडियो छोड़ेंगे हम, तो आप लोग ज़रूर देखना वो वीडियो। ये डेबरा का टोल प्लाजा है, अभी टाइम हो रहा है 10:48, हमको खड़गपुर जाने में और करीबन 20-25 मिनट लगेगा, तो देखते रहिए मेरा ये वीडियो। ये खड़गपुर का चौरंगी आ गए हैं हम लोग, ये मेरे बाएं साइड में जो रोड निकल गया है ये खड़गपुर टाउन का अंदर में जाता है, ये लेफ्ट साइड में जो रोड जा रहा है ये खड़गपुर टाउन में जाता है, और ये राइट साइड में जहाँ जा रहे हैं ये हमारा सर्विस सेंटर में जाता है। और ये जो सामने लॉरी जा रहा है उधर जाता है जमशेदपुर, टाटा जमशेदपुर, और ये हम लोग जा रहे हैं रेनल का सर्विस सेंटर, मतलब चोरंग से मिदनापुर सिटी का और जाता है जो रोड, उसी में ये शोरूम पड़ता है। यहाँ से करीबन 50 मीटर का अंदर में लेफ्ट साइड में रेनल का शोरूम है। ये रोड सीधा मेदिनीपुर होके मोर ग्राम तो जाता है, और ये हमारा सर्विस सेंटर भी आ गया, ये लेफ्ट साइड में सर्विस सेंटर। गाड़ी का नीचे में बहुत जगह पे टैच हुआ है बम्पर में, तो क्या क्या नुकसान हुआ है वो थोड़ा देख लेता हूँ मैं। ये जो घिसने का दाग है ये बम्पर में टैच हुआ, बहुत जगह पे ये टैच हुआ है, लेकिन उतना ज़्यादा कुछ नुकसान नहीं हुआ, और नुकसान हुआ भी होता होगा तो कुछ किया नहीं जाएगा। यहाँ पर अंदर में मेरा रस्ट कोटिंग है, तो उतना ज़्यादा नुकसान हुआ नहीं मेरा, गाड़ी में थोड़ा बहुत तो लगता ही है अंदर नीचे में। मेरा गाड़ी का एसी फिल्टर चेंज हो रहा है, एसी फिल्टर पूरा ख़राब हो गया, ये है एसी फिल्टर, तो पूरा धूल जम गया है इसमें काम और नहीं होगा, इसको चेंज करना ही पड़ेगा। वो मेरा मैकेनिक वहाँ चेंज कर रहा है, ये एसी फिल्टर है।
এয়ার ফিল্টারগুলোকে পরিষ্কার করে লাগানো যায় না, পরিষ্কার করা যায় না? পরিষ্কার করলে এর যে অ্যাকচুয়ালি যে এ থাকে না, হ্যাঁ, এর মধ্যে যে গ্যাপিংটা গ্যাপিং থাকে যে এয়ার পাস করার এটা, হ্যাঁ, তখন বেরিয়ে যায়, তখন ফিল্টার হয়, ফিল্টার হয়। ये एयर फिल्टर है, एयर फिल्टर भी चेंज करवा लिया, एयर फिल्टर भी गंदा हो गया, तो बोल रहा है इसमें एयर और फिल्टर नहीं होगा, तो उसको चेंज करना ही है। अभी मेरा गाड़ी वॉशिंग में जा रहा है, कैसे वॉशिंग करता है वो भी आप लोगों को दिखाता हूँ मैं। वॉशिंग तो बहुत ही अच्छा किया है, मेरा दिल खुश हो गया, पूरा चकाचक कर दिया, और इंजन भी पूरी अच्छी तरह से साफ किया, एकदम फ्रेश लग रहा है, बहुत ही अच्छा वॉश, बहुत अच्छा किया। और एक बात है, ये वॉश के लिए पैसा नहीं लगता है, सर्विसिंग में ये वॉशिंग फ्री है, अंदर बाहर टोटली ये लोग वॉश करता है और पॉलिश करता है। दिल खुश हो गया। यहाँ पेड सर्विस में क्या क्या चार्ज लगता है, कौन सा काम में कितना चार्ज है, वो यहाँ दिया हुआ है, ये सब ये इसमें है, किसका कितना चार्ज है, और बाजू में शेड्यूल मेंटेनेंस का कितने टाइम में कौन सा चेंज करना है वो दिया हुआ है, कंपनी रिकमेंडेड है ये। अभी 3 बज रहा है, अभी 3 बज रहा है, मेरा गाड़ी का सर्विसिंग हो गया, और मैं इधर आया था 11 बजे सर्विसिंग करने के लिए, तो सर्विसिंग हो गया, मेरा टोटल खर्चा हुआ 4,877 रुपया, 4,877। तो क्या क्या चेंज हुआ है, मेरे पास बिल है, मैं वो बिल आपको दिखाता हूँ, आप देखिए मेरा क्या क्या चेंज हुआ है, इसमें लिखा हुआ है। मेरा थर्ड सर्विस है, ये गाड़ी का थर्ड सर्विस है, और इसमें चेंज हुआ है मोबिल, चेंज हुआ है ऑयल फिल्टर, चेंज हुआ है एयर फिल्टर, एसी फिल्टर चेंज हुआ है, और फ्यूल फिल्टर चेंज हुआ। फ्यूल फिल्टर ये लोग नहीं कर रहा था, लेकिन मैंने बोला कि फ्यूल फिल्टर भी चेंज कर दो, क्योंकि 2 साल हो गया, 2 साल में फ्यूल फिल्टर तो चेंज करना ही है। और मेरा एक मड फ्लैप टूट गया था, सामने का 2 टूट गया था, उसको भी चेंज करवाया। तो ये सारे बिल है, मड फ्लैप का यहाँ पर नहीं है, दूसरा पेज में मड फ्लैप का
बिल है उसमें। मेरा सारा काम हो गया तो अभी मैं घर के लिए निकल रहा हूँ। अभी टाइम हो रहा है 2:57, तो घर जाने में लगभग मेरा 4 बज जाएगा। तो देखते रहिए मेरा ये वीडियो। With your love.